नेक्स्ट वैकेंसी सीआरपीएफ में कब देखी जा रही है, 3 गुना सीट अभी इसमें खाली है जो कि फुलफिल किया जाएगा, लेकिन के लिए हमको सीआरपीएफ के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब चीज बताइएगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आप लोग के मन में हो रहा होगा एग्जाम देने के बाद होता है कि इस बार मिस करके अगले बार तो एकदम पक्का है कि इतना अच्छा से पढ़ेंगे ना कि बहुत ज्यादा स्कोर कर लेंगे, उसके लिए क्या करना होगा। अगला वैकेंसी कब देखा जाएगा, अभी चल रहा है आपका 2023 और ये वैकेंसी का अभी पूरा होने वाला है 2023 में, यानी कि इस वैकेंसी का पूरा प्रोसेस 2023 तक कर लिया जाएगा ऐसा बोला गया है, तो इस साल तो वैकेंसी नहीं आएगा ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2023 के अभी चल रहा है फरवरी मार्च चल रहा है तो अप्रैल में अगर वैकेंसी देता है जून में देता है तो आप पूरे रूप से तैयार भी है, नहीं है, आपको पूरे सिलेबस पे कमांड करना होगा। जीके जीएस मैथ हिंदी इंग्लिश रीजनिंग में से कम से कम 3 सब्जेक्ट को अपना बनाना होगा और चौथे में तुक्का लगा करके भी आगे बढ़ेंगे वो अलग बात है, 3 सब्जेक्ट को अपना बनाना होगा। तो ये अभी से करिएगा फिर भी 6 महीना आपको कम से कम लग जाएगा, तो वैकेंसी नहीं आए फिर भी ठीक है, तैयारी पहले जरूरी है, वैकेंसी तो आते रहेगा, तैयारी नहीं रहने के कारण रिजल्ट नहीं होता है जैसे इस बार नहीं हो सकता ठीक है बहुत सारे लोग का, तो इस चीज को ध्यान रखना है। वैकेंसी 2023 में तो नहीं देखा जाएगा लेकिन 2024 में संभावना इसलिए है क्योंकि इसमें सीट अभी फुल नहीं हुआ है, जितना सीट अभी निकाला गया है इसमें 1458 और भी बहुत सारे सीट इसमें, इसका 3 गुना सीट अभी इसमें खाली है जो कि फुलफिल किया जाएगा, लेकिन समय रहते आपको पता है कि ये भी वैकेंसी जो आया है वो 7 साल के बाद दिया गया, क्यों दिया गया, सीट रहते हुए खाली रहते हुए सीट नहीं भरा जा रहा था क्योंकि आपको पता है बीजेपी का सरकार है, लेकिन इससे मतलब नहीं, आपको तैयारी से मतलब है, अभी वैकेंसी आया तो कितने लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे थे। कोई भी ऐसा बंदा बता दीजिए जो कि इसके लिए तैयारी किया होगा, कोई भी ऐसा लड़का बताइए जो कि या लड़की ही होगी जो इसके लिए खास तैयारी की होगी मतलब पिछले 1-2 साल से, नहीं, नया तैयारी था, नया एग्जाम था, नए तरीके से दिए, अगले बार में देखेंगे अगर फिर से एग्जाम होता है तो ठीक है। तो 2024 में पूरे 24 में मिड 24 में या लास्ट 24 में संभावना है कि इसका वैकेंसी आएगा, अगर तैयारी करना है तो रिटेन से लेकर के टाइपिंग से लेकर के हर चीज आप तैयार रखिए कि अगला जो भी वैकेंसी आए सबसे पहले आपको मिल जाए, क्योंकि आप इसके लिए 1-1.5 साल पहले बदल भी दिया गया, क्यों बदल दिया गया, हर चीज टाइम से लेकर के सिलेबस से लेकर के पैटर्न से लेकर के हर चीज बदला गया और ये सभी चीज मायने रखता है, और क्वेश्चन का लेवल तो बिल्कुल चेंज कर दिया गया, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता था सीआरपीएफ में हमेशा से बच्चा वाला क्वेश्चन आता था, मतलब कोई भी बना देता था उसको क्योंकि उस समय कंपटीशन इतना टफ नहीं था। और आपको पता है कि इससे पहले इसका वैकेंसी कब आया था, 2016 में इसका वैकेंसी देखा गया था, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, मतलब इतना सुविधा नहीं था पढ़ने का, और आयोग को शायद ये पता चला कि 7 साल बाद जब हम एग्जाम ले रहे हैं तो लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, जवाना कितना डेवलप कर गया है, सब चीज ऑनलाइन पढ़ करके लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कट ऑफ बढ़ेगा तो क्वेश्चन ही हम हार्ड कर देते हैं ये चीज, वो भी क्वेश्चन का मैचिंग और सबसे करने लगा, यानी एसएससी से, बैंक से, रेलवे से करने लगा, तो कुछ इस प्रकार का आपको सिलेबस देखने के लिए मिला मैथ रीजनिंग जीके जीएस और आपके जनरल एप्टीट्यूड में ठीक है। ये समझ में आया।